और इस बीच अहम खबर आपको बता दें, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली का दौरा, शिमला से दोपहर 1:30 पर दिल्ली पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव में हार को लेकर नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अभिषेक मनु सिंह भी बनाए गए थे हिमाचल से प्रत्याशी, विधायकों के क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस हारी। तो दिल्ली से रात 8:45 पर रायपुर के लिए वापसी होगी। तो विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से आपको बता दें कांग्रेस हारी है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा और राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें बड़ी हलचल जो हुई थी और रात को आज वापस रायपुर भी लौटेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए गौरव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा क्या कुछ मायने? निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल में न सिर्फ राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस हारी बल्कि कांग्रेस की जो वहां पर सरकार है उस पर भी संकट के बादल गहरा गए हैं। ऐसे में भूपेश बघेल की भूमिका जो है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर पहले भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करते रहे, वहां की राजनीति से भली भांति परिचित है। ऐसे में जो कल परिस्थितियां निर्मित हुई है, कांग्रेस के 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की वजह से अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा, तो आज शिमला से लौटकर दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे किस तरह की परिस्थितियां बनी, आखिर क्यों कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और कैसे वहां पर हालात है, सरकार को बचाने के लिए कौन से प्रयास करने होंगे, तो इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद आज रात 8:45 पर उनकी वापसी होगी। निश्चित रूप से भूपेश बघेल का जो दिल्ली दौरा है और जो शिमला में गए थे वो दोनों ही दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण, आज इसके बाद वापसी होगी उनकी। तो बिल्कुल आज वापसी भी हो जाएगी लेकिन रिपोर्ट कार्ड एक तरह से सौंपनी होगी केंद्रीय नेतृत्व को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राज्यसभा चुनाव में हार को लेकर नेतृत्व की रिपोर्ट भी देंगे और अभिषेक मनु सिंह भी बनाए गए हैं राज्यसभा प्रत्याशी।